चोर, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो अपनी चालाकी से अच्छे अच्छों को चूना लगा देता है। और इनमें से भी महिला चोरों का तो क्या ही कहना। दुकान में रखी 21 इंच की एलईडी से लेकर घर में बन रही ताजी रोटियों तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिन पर इन मोहतरमाओं ने हाथ साफ ना किया हो। लेकिन आज इस वीडियो में इनकी खतरनाक चोरियों के साथ साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी इन पापा की परियों का एटीट्यूड और बहाने आपको चौंकाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट पैराडाइज। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइटल, डंबेस्ट फीमेल थीव्स कैच ऑन कैमरा पार्ट 2। नंबर 1, इंडियन मेड। अगर महिला चोरों की बात करें तो इनमें से हमारी अपनी कामवाली बाई का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जिनके भरोसे हम घर की साफ सफाई छोड़कर जाते हैं वही मोहतरमा घर का सफाया कर देती है। अगर यकीन नहीं तो इस क्लिप को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये काम वाली बाई आलू और प्याज को तो चुराती है, लेकिन ये तो धनिये तक को भी नहीं छोड़ती। और ये वाली आंटी तो ताजी बनी रोटियों का ही सफाया कर देती है, लेकिन सिर्फ इतना ही क्यों, ऑब्वियसली ये दिल मांगे मोर। तो हमारी अगली काम वाली बाई ने तो बर्तन साफ करते करते बर्तन का ही सफाया कर दिया। अब इनकी ऐसी हरकतों को सीसीटीवी कैमरा ने पकड़ लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ऐसी हरकत रंगे हाथों पकड़ी जाए तो क्या होगा? तो अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये दो काम वाली बाई घर में पड़े पैसे, गहने और दूसरी काफी सारी चीजों की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती है और बिना आंसू निकाले ही रोने भी लगती है। पर बाद में ये परिवार इनकी चोरी की हुई सारी चीजों को बरामद करता है और इन्हें हवालात की सैर कराता है। नंबर 2, पापा की परिया। अब जैसे ही डिजिटली जमाना आगे बढ़ रहा है, वैसे ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस भी ज्यादा होने लगे हैं। और ऊपर से ये पापा की परी इस दुकान में हर रोज 1000 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने के लिए आती है और दुकानदार को फेक ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ दिखाकर उससे फ्रॉड करती है। शॉप ओनर ये सोचकर परेशान है कि यार पेमेंट रिसीव क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों की तरह एक समझदार जागरूक इंसान ने इस लड़की का पर्दाफाश किया और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन दीदी तो ऐसे अनजान बन रही थी जैसे वही सती सावित्री हो, और वो ये बोली, ओके क्या क्या इशू है? जी जी बिल्कुल, अभी क्या क्या इशू होगा अभी सामने दिख जाएगा। ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज, ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। भैया एक मिनट, ये मोबाइल पकड़ना। बैंक का इशू होगा तभी नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये नहीं कर। प्लीज आप ये दिखाइए कि आप ये जादू करती कैसे हो। आखिर आप दिखा, आप दिखाओ, आप इसको बैक करने के बाद देखो, गलती आपने की है, एक्सेप्ट कीजिए। पर बाद में पता चला कि ये तो फेक एप्लीकेशन को यूज करके दुकानदार को टोपी पहना रही थी और बाद में इससे सारा पैसा वसूल करके वार्निंग देकर बाइज्जत रवाना कर दिया गया। बहुत बुरा होगा, आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, बहुत इज्जत से जाइए। पर ये दूसरी पापा की परी उससे भी एक कदम आगे निकली, क्योंकि इसने दुकान के ट्रायल रूम में जाकर दुकान में रखे कई सारे कपड़ों को अंदर ही पहन कर निकली। जब दुकानदार ने इसे रोका तो दीदी उससे ही झगड़ पड़ी। फालतू ना बोला करो, ठीक है, बकवास ना करा करो। जब यहाँ पे बस आते हैं, ये बताइए आप कैसे यहाँ से कैसे चली जाएगी, जब मैंने भी नहीं उठा के रखी। यार देखो, कस्टमर हूँ मैं, कस्टमर हूँ ना, तो मेरे को ना इल्जाम मत लगाया करो, मैं अभी बता दूंगी। फिर ये मैं पहन के आई थी, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पहन के आई थी। आप घर से तो पहन के नहीं आए थे ये? मैं पहन के आई थी, ठीक है ना। एटीट्यूड देख रहे हो दीदी का। पर पुलिस का नाम लेते ही दीदी की अकल ठिकाने आ गई और इसने अपनी चोरी को कबूल कर लिया। अरे ठीक है, शोर से रहो मत करो, मैं बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मुझे शोर से नहीं। अब कहाँ से आ गया आपके पास, पहले तो नहीं थे आपके पास? अरे चिल्लाओ मत, मत चिल्ला। आखिर में दुकानदार ने सारा सामान वापस लेकर उस चोरनी को वहाँ से दफा कर दिया। मुझे जाने दो प्लीज, सॉरी। अब आइंदा से यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, दुपट्टा गैंग। दुपट्टा गैंग ये कुछ महिला चोरों का ग्रुप होता है जो अपने पल्लू और दुपट्टे की आड़ में अच्छी खासी चोरियों को अंजाम देती है, क्योंकि ये दुकान में अपना ग्रुप बनाकर आती है और इनमें से एक दुकानदार को उलझाकर रखती है और मौका देखकर बाकी की औरतें चोरी को अंजाम देती है। और हम हैरान होकर ये सोचते हैं, और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि 6 औरतों का एक ग्रुप इस कपड़े की दुकान में चोरी के फिराक में आता है और दुकानदार के उठकर जाने के बाद लेफ्ट में खड़ी 2 औरत उस दुकान के नौकर को उलझाती है।
तभी तिजोरी के पास खड़ी ये औरत कुर्सी में बैठी हुई अपनी साथी को इशारा करती है ताकि कोई अगर आता हुआ दिखे तो वो सतर्क हो सके। उसके बाद वो औरत तिजोरी के पास ही मौके के फिराक में बैठ जाती है और नौकर का ध्यान हटते ही कपड़ों का पूरा बंच ही चुरा लेती है। पर इस चीज का पता दुकानदार को सीसीटीवी के थ्रू तुरंत ही हो जाता है और उसे आता हुआ देख ये औरत पलक झपकते ही सारा सामान बाहर निकाल देती है और पीछे खड़ी उसकी साथी उसका फैलाया हुआ रायता समेटकर साइड पर रख देती है और सभी औरत ऐसे अनजान बन जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दुकानदार तुरंत ही पुलिस को बुलाकर सारी गैंग को पुलिस के हवाले कर देता है। नंबर 4, बाप का माल। अब इस आखिरी कैटेगरी में ऐसे चोर आते हैं जो कतई अकल से पैदल होते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको पता होता है कि सीसीटीवी है, फिर भी वो अपने आप को 30 मार खास समझकर इस चोरी को अंजाम देते हैं और चीजों को तो ऐसे उठाकर चल पड़ते हैं कि मानो उनके बाप का माल हो। अब जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें ये विदेशी महिला $1200 का एक चेनसॉ मशीन अपनी पैंट में डालकर चुराने की कोशिश करती है। तभी एक औरत ऐसा करते हुए उसे देख लेती है, लेकिन ये अनजान बनके अपने आप से कहती है कि आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगी। अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आखिर में ये पकड़ी जाती है। तो भाई लोग, आपको इन सारी चोरी में से कौन सी चोरी ने सबसे ज्यादा चौंका दिया ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली दफा आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।